चमोली में शौर्य और पराक्रम का उत्सव कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस दौरान जिला पंचायत परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिले के ADM अभिषेक त्रिपाठी पहुंचे। इस दौरान लोगों ने कारगिल शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही पुलिस और NCC जवानों ने शहीदों को सलामी दी। इसके साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर कारगिल शहीदों को याद किया गया। वहीं जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने रंगारंग देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए। चमोली से संदीप सिंह की रिपोर्ट। मेरे बड़े भाई साहब आनंद सिंह शहीद हुए कारगिल, और आज हमको यहाँ बुलाया गया और सम्मानित किया। मेरे पति जो हैं शहीद हुए थे 87 में, और उस समय तो हम छोटे थे, मेरी लड़की थी, मैं नहीं थी। जो हमने किस तरह से पाला है, क्या किया है, वो तो उस समय इतना नहीं, आज हम जागरूक हैं। 26 जुलाई को हमारे जवास रणबांकुरू ने देश को विजय दिलाई थी, हमारे पड़ोसी मुल्क के कुछ बेटियों को मार गिरा था, और लगभग 60 दिन ये युद्ध चला था। पश्चिमी पहाड़ियों में 14 से 18 हज़ार फीट की ऊंचाई पे ये युद्ध लड़ा गया है, अनोखा युद्ध था। लेकिन हमारा साहस, हमारे वीर शहादत देने वाले जाबाज सिपाहियों ने उनको मार कराया, और इसी लक्ष्य में हम ये दिन मनाते हैं।